स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर होने की खबर है। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। ये भी बता दें आपको कि मौके से AK-47 SLR समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। नेंदूर थुलथुली के जंगल में मुठभेड़ हुई है और भी नक्सलियों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो नक्सलवाद के खात्मे पर लगातार ये जो है बड़ी सफलता मिल रही है। जो प्रण लिया गया है वो प्रण कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। नक्सलवाद का खात्मा लगातार हो रहा है, बड़ी कामयाबी इसे सुरक्षा बलों के लिए मानी जा सकती है। दंतेवाड़ा एसपी ने इस पूरे ऑपरेशन की पुष्टि की है और साथ ही साथ कितने नक्सली मारे गए हैं इसकी भी जानकारी दी है। हालांकि सारे शव अभी तक बरामद नहीं हुए हैं, लगातार इसकी प्रोसेस चल रही है, पर कई सारे हथियार, बारूद, बहुत कुछ बरामद हुआ है। विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। तो जबरदस्त मुठभेड़ के बाद कई नक्सली ढेर। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जो प्रण सरकार ने लिया है नक्सलवाद के खात्मे का, उसमें कहीं ना कहीं सफलता सरकार को, जवानों को मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो प्रण लिया गया है विष्णुदेव साय सरकार द्वारा, उसकी जो झलक है वो प्रण नजर आ रहा है सामने। सीधे तौर पर बड़े घटनाक्रम में जिस तरीके से मुठभेड़ हुआ है, 30 नक्सली अभी तक मारे गए हैं जिसकी पुष्टि हुई है। आगे ये संख्या और भी बढ़ सकता है। नक्सली मुठभेड़ लगातार जारी है, जवान डटे हुए हैं और डटकर सामना कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मार्च से लेकर अब तक कई जो घटनाएं हुई है उसमें नक्सलियों को मार गिराया हमारे जवानों ने। इसके साथ ही जो है नक्सलियों के सरेंडर का सिलसिला भी जारी हुआ है। पिछले 9 महीने की सरकार में आप देखे तो करीब 600 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, मुख्य धारा से जुड़ा है। और भी जो नक्सली हैं जो बंदूक छोड़ रहे हैं वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, जो नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें उनकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। जिस तरीके से सुकमा में, जिस तरीके से नारायणपुर में मुठभेड़ सामने आ रहा है, दंतेवाड़ा नारायणपुर क्षेत्र में, उससे साफ हो जा रहा है कि जवान तेजी से डटे हुए हैं और सरकार ने जो प्रण लिया है वो भी सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से मुठभेड़ जो है आने वाले समय में भी जारी रहेगा, क्योंकि नक्सली को पूरी तरीके से खत्म करना सरकार का लक्ष्य है। जी वाकई सरकार का लक्ष्य नक्सलवाद को खत्म करना, और इसकी तरफ हम देख भी रहे हैं कि आगे सरकार बढ़ भी रही है, सफलता भी मिल रही है। जिस तरह से इतने सारे नक्सलियों को ढेर किया गया, साथ ही साथ हमने देखा कि बड़ी संख्या में नक्सली लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं, कई को गिराया गया, मार गिराया है, कई की गिरफ्तारी हुई है, तो ये बड़ी सफलता मान सकते हैं। ये भी जानकारी दीजिएगा कि आखिर विस्फोटक सामग्री के बारे में भी जानकारी मिली होगी, कितना विस्फोटक की सामग्री बरामद हुई है, क्या क्या बरामद हुआ है, बताइए। जी बिल्कुल, बड़ी सफलता है और अभी तक के पिछले 9-10 महीने में जितने भी मुठभेड़ हुए हैं उसमें सबसे बड़ी सफलता इसको कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 30 नक्सली एक साथ अभी तक के नहीं मार गिराए गए थे। ये संख्या बढ़ भी सकती है और जो नक्सली मारे गए हैं कुछ कुछ करके उनके डेड बॉडीज भी बरामद हो रहे हैं, साथ में उनके पास जो हथियार थे वो भी बरामद हुए हैं, जिसमें कई कारतूस, बंदूक और अन्य जो हथियार हैं वो शामिल है। पुलिस अभी लगातार छानबीन में जुटी हुई है और उधर जो है वो अंदर में मुठभेड़ भी चल रहा है, जिसका अपडेट हमें समय समय पर हम दर्शकों तक भी पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन इसमें बताना जरूरी होगा कि सरकार का इसमें क्या संदेश है। इससे पहले जब अमित शाह ने बैठक ली थी छत्तीसगढ़ में, 3 दिनों तक लगातार बैठक चला था और छत्तीसगढ़ के अलावा आसपास के राज्यों के पुलिस बल के जो अधिकारी हैं उनकी बैठक ली थी और किस तरीके से नक्सलियों को घेराबंदी किया जाए, किस तरीके से उसका खात्मा किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनी थी। रणनीति भी बनी थी आकाश, और हम ये भी कह सकते हैं। जी जी जी, ठीक ठीक, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी मैं। ये बड़ी जानकारी, नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार ये जो है किया गया है। नारायणपुर सीमा पर जबरदस्त मुठभेड़ अब भी जारी है, बड़ी जानकारी मिल रही है। 30 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं इस मुठभेड़ में, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एसपी गौरव राय ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो AK-47 SLR समेत कई हथियार भी बरामद किए गए हैं और भी नक्सलियों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आपके पास क्या अपडेट है इस मामले में अभी?
जी हाँ, मैं जो बता दूं कि जो एक बजे से पुलिस और नक्सली की जो नक्सलियों की जो मुठभेड़ चल रही थी, वह मुठभेड़ लगभग 6 घंटे चली। मुठभेड़ में 30 से अधिक नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। यह एक बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है और इस साल का यह सबसे बड़ा मुठभेड़ की तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस मुठभेड़ में लगभग 6 घंटे में 30 से अधिक नक्सलियों की मारे जाने की संभावना बन रही है। और यहां पर नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, AK-47, SLR जैसे ऑटोमेटिक मशीन और भी कई हथियार बरामद हुए हैं। ये देखने वाली बात होगी कि ये हथियार जो मिले हैं ये बड़े कैडर के जो नक्सली होते हैं उनके पास होता है। और अभी जो सर्चिंग है इसको बढ़ा दी गई है। इस सर्चिंग को बढ़ाने का तक की जो खबरें मिल रही थी कि 30 से अधिक नक्सली और मारे गए हैं, जिसकी सर्चिंग जारी है। और इधर SP दंतेवाड़ा ने भी 30 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। फिलहाल सर्चिंग को और तेज कर दिया गया है। मैं कहीं ना कहीं ये बताना चाहूंगा कि जो सरकार है, वो सरकार जो अभियान चला रही है नक्सलियों के विरुद्ध, इस अभियान को चारों दिशाओं से तेज कर दिया गया, क्योंकि जो यह मुठभेड़ है माड़ क्षेत्र में हुई है और माड़ क्षेत्र कहीं ना कहीं जो नक्सलियों का जो एक सेफ जोन माना जाता था, अब वहां भी सुरक्षा बल के जवान पहुंचकर इन नक्सलियों को खदेड़ना चालू कर दिया है। इससे पूर्व भी इनकी मांद में घुस के नौ नक्सलियों को ढेर किया था सुरक्षा बल के जवानों ने। और अब ये बहुत बड़ी मुठभेड़ जो सामने आई है, वो 30 से अधिक नक्सली माने जाने की खबर है। जी दिनेश, सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ी सफलता हम इसे मान सकते हैं। और अभी इस बारे में भी जानकारी दीजिए कि क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? सर्चिंग का ऑपरेशन तो चल ही रहा है, वहां पर जो अधिकारी होंगे, कोई भी मौजूद होगा, उनसे आपने जानने का प्रयास किया होगा कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं कि अंधेरा हो चुका है और जो एरिया है वो बड़ा ही जंगली एरिया है, पहाड़, नदी, नाले ऐसे एरिया हैं। इस एरिया में रात को सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ करना कहीं ना कहीं जो अंधेरे का उनको फायदा मिल गया। और नक्सली जो इतने ज्यादा मारे गए हैं, काफी संख्या में नक्सली रहे होंगे, लगभग 100 के आसपास की संख्या रही होगी नक्सलियों की। इस अभियान में जो नक्सली मारे गए हैं और अंधेरे होने के बाद बचे जो नक्सली, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो भाग खड़े हुए हैं। और अभी फिलहाल मुठभेड़ रुकी हुई है, क्योंकि लगातार 6 घंटा मुठभेड़ चली है। इस मुठभेड़ में 30 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और सर्चिंग अभियान को भी तेज कर दिया गया। इसके बाद अब देखना यह होगा कि सर्चिंग अभियान होने के बाद सुबह तक कौन सी रिपोर्ट सामने आती है और भी कितने नक्सली मारे जाते हैं। इसके अलावा चाहे तो गोला बारूद, नक्सली साहित्य, ऐसे कई चीजों की बरामदगी होगी जो सुबह विस्तृत से जानकारी देने की बात कही गई है। जी ठीक, लगातार दिनेश बने रहिए, आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, हम ये मान सकते हैं कि 2026 का जो लक्ष्य रखा गया है वो पूरा होता हुआ कहीं नजर आ रहा है, और ये भी कहना गलत नहीं होगा, हो सकता है उससे पहले ये लक्ष्य पूरा हो जाए, जिस तरह जवान जुटे हुए हैं और सरकार का भी सपोर्ट है, और जो ये बार बार नाकाम कोशिश नक्सलियों के द्वारा की जा रही है उसे ध्वस्त किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है और उन्हें मार गिराया जा रहा है। जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री ने 2026 तक के जिस तरीके से नक्सली खात्मे का लक्ष्य रखा था वो कहीं ना कहीं फल देता नजर आ रहा है, वो पूर्ण होता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से जवान मुस्तैदी के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक जो घटनाएं सामने आ रही है उसमें नक्सली ढेर हो रहे हैं, साफ माना जा सकता है कि सरकार की सफलता है, सरकार के नीति की सफलता और एक विजन दिखाई देता है कि किस तरीके से विजन लेकर जो है केंद्र सरकार काम कर रही है, उसके नेतृत्व में जो है राज्य सरकार, विष्णुदेव की राय की सरकार काम कर रही है। इससे पहले जो मुठभेड़ कांकेर में हुई थी आपने देखा होगा 29 नक्सली मारे गए थे, लेकिन बीजेपी शासनकाल में जो अभी तक के घटनाक्रम हुए उसमें सबसे बड़ा जो है मुठभेड़ है जिसमें एक साथ 30 नक्सली अब तक मारे गए हैं। हालांकि संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि मुठभेड़ जारी है। आप इसकी रणनीति को समझिए, रणनीति जिस तरीके से सरकार ने बनाई है, जवानों ने बनाया है कि किस तरीके से घुसकर घेराबंदी करें। सीमावर्ती इलाके हैं, बस्तर की सीमा की अगर बात करें तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा बॉर्डर है जहां पर ये घटना करते हैं,
और उस सीमावर्ती इलाकों में चले जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही थी। लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली थी, उसमें अलग अलग राज्यों के डीजीपी की बैठक बुलाई थी और रणनीति बनाई थी, तो उन सीमावर्ती क्षेत्रों में उनकी घेराबंदी कैसे करें ताकि वो अगर इधर से भाग के जाए तो उधर से वो करीब आ जाए और उनको घेरा जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, तो इस तरीके से रणनीति के तहत आगे बढ़े और उसका परिणाम जो है वो नजर आया। बड़ा ये मुठभेड़ है और उसमें इतने सारे नक्सली का मार गिरान सरकार की बड़ी सफलता है और ये सफलता लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से नक्सली कमजोर हो रहे हैं वो भी एक बड़ा उदाहरण है, क्योंकि कहीं अंदर तक के नक्सलवाद को खात्मे को लेकर सरकार ऑपरेशन चला रही है, वहाँ पे जो है स्टॉपेज जो है कैंप है जवानों के वो लगते जा रहे हैं, काफ़ी अंदर तक जवानों के कैंप लगते जा रहे हैं, कई कैंप अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे कांकेर की बात करें, बीजापुर की बात करें, नारायणपुर की बात करें, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये सभी क्षेत्रों में कैंप है, घेराबंदी किए जा रहे हैं। लगातार हर दिन एक ऑपरेशन चलता है, हर दिन सर्चिंग ऑपरेशन चलता है, जिसमें उनके नक्सलियों की तरफ की गई कार्रवाई का जहां मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, उन्हें खदेड़ने का भी काम किया जाता है। कारण यही है कि लगातार सफलता जवानों को मिल रही है। अगर आत्म सरेंडर करने वाले अगर योजना की बात करें तो सरकार ने जिस तरीके से मुख्य धारा से नक्सलियों को लाने के लिए एक सकारात्मक पहल किया, वो भी पहल नजर आया। पिछले 9 महीनों की सरकार में आप देख सकते हैं करीब 600 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये आंकड़ा किसी भी तरीके से छोटा या कम नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रेरित करना, उन्हें साथ में लाना, सरकार के साथ में योजनाओं का लाभ देना और मुख्य धारा से जोड़ना, ये एक बड़ी पहल है और एक सरकार की जो दिशा है, जो विजन है, उसको भी बताता है कहीं ना कहीं। एक तरफ सकारात्मक रुख, जो नक्सली आना चाहते हैं वो समर्पण करके मुख्य धारा से जुड़े, जो नक्सली बंदूक उठाना चाहते हैं, जो सरकार के बार बार बोलने के बाद नहीं मानते, उसको उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना, ये जो दो रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आगे भी सफलता मिलेगी। और जो आपने कहा कि टारगेट जो लेकर चले, जो लक्ष्य लेकर चले कि 2026 तक खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो खात्मे की ओर एक बड़ा कदम है और वो रिजल्ट भी आने वाले कुछ महीनों में आपको नजर भी आ जाएगा। जी वाकई आकाश, आने वाले समय में इसका रिजल्ट नजर आएगा। मुख्य धारा से जोड़ना, अलग अलग तरह की योजनाएं चलाना, उन्हें फायदा पहुंचाना कि कैसे न कैसे करके वो वापस लौट सकें और इन सब जो नक्सलवादी चीजें हैं इन सब से दूर हो सकें, इसके लिए अलग अलग तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, योजना चलाई जा रही है, पर नक्सली लगातार जो है नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से बड़ी संख्या में सरेंडर लगातार नक्सली कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो इन नक्सलियों की बौखलाहट सामने आ रही है और तभी बार बार इनके द्वारा ये नाकाम कोशिशें की जा रही है। देखिए, कार्रवाई लगातार हो रही है तो बौखलाहट क्यों ना सामने आए। बौखलाहट सामने आने का कारण आप समझिए, कारण ये है कि सरकार ने सभी मोर्चे पर नाकेबंदी कर दी है, तो ऐसे में नक्सलियों के बीच में जो है सुनाई देता है, अंदर खाने से खबर आती है कि दो धड़े में भट गए। ऐसे कुछ लोग नक्सली जो घबरा के, जो युवा मुख्य धारा से छटक कर कहीं ना कहीं नक्सलियों के उसमें आ जाते हैं, उनकी योजनाबद्ध तरीके से जिस तरीके से वो फंस जाते हैं वो सामने आ रहा है, विरोध करके वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, सरकार की एक पहल है। दूसरी तरफ वो नक्सली हैं जो सीधे तौर पर अटैक करते हैं, तो दो धड़े में बढ़ता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कमजोर हो रहे हैं, जो किसी तरीके से उत्पात ठीक, मचाते ठीक, हैं, बदमाश ठीक, आप लगातार बने रहिए। पूर्व आईपीएस हैं विक्रम सिंह, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बड़े जानकार हैं नक्सलवाद को लेकर, जिस तरह से लगातार खात्मा हमेशा होता रहा है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है, बड़ा ऑपरेशन और उसमें बड़ी सफलता भी, किस तरह से देखते हैं? जी नमस्कार, मैं इसका स्वागत करता हूं और ये पूरी तपस्या फलीभूत हुई जो इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि ये वो युवा है जिनको वर्गलाया गया था लेफ्ट लिबरल्स ने और इनको महिमा मंडित किया था। आप याद करें, इनको एक सूत्र दिया था इन्हीं लोगों ने कि क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से शुरू होती है और एक दो लीटर अगर निर्दोष मानव वध बहता है तो उस पर कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि सरकार की शक्ति से, पैरामिलिट्री की तपस्या से, पुलिस और प्रशासन की तपस्या से इनके भागने के रास्ते हो गए बंद, तो इन्होंने यही समझ में आ रहा है कि ये वापस मुख्य धारा से जुड़ें, रोजगार करें, परिवार बसाएं और शांति के साथ अपना जीवन व्यापन करें। क्योंकि 1500 करोड़ की सालाना लूट, इसकी बंदरबाट इन्होंने देखा कि राजनेता और इनके नेता अगर खा जाते थे, इनके हाथ सिर्फ पुलिस की मुठभेड़ और पुलिस की गोली आती थी और दर दर की ठोकरें, ये स्वागत के योग्य है और इस उत्कृष्ट प्रयोग को
जगह जगह इसको और रिप्लिकेट करना चाहिए, जिससे कि जो और हमारे युवा जो कि पटभ्रष्ट हुए थे उनको मुख्य धारा में वापस जोड़ा जाए। मैं बधाई देना चाहूंगा पैरामिलिट्रीज को, शासन प्रशासन को। वाकई वाकई जो पहल लगातार की जा रही है, चाहे सरकार की ओर से हो, चाहे जवानों की इतनी कड़ी मेहनत है और उसमें सफलता जो लगातार सर मिल रही है वो सराहनीय है। हम क्या यहाँ पर इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या कईयों को मार गिराया गया है, तो इनके अंदर जो बौखलाहट है कहीं ना कहीं ये भी वापस आना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ अड़चने या जो जिस धारा से वो जुड़े हुए हैं वो बीच में आ रही है? महत्वपूर्ण बिंदु, जो निहित स्वार्थ है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, वो नहीं चाहते हैं कि मुख्य धारा से जुड़े, वो चाहते हैं कि नक्सल जो कि उनका एक व्यापार हो गया है, 1500 करोड़ जो सालाना इनकी आमदनी थे उस पे जब लात पड़ेगी तो ये कौन पसंद करेगा। ये चाहेंगे कि नक्सलवाद चलता रहे, उनका व्यापार चलता रहे, उनकी काली कमाई चलती रहे, लेकिन सरकार अब ये होने नहीं देगी, क्योंकि एक दफा से 2008 में प्रधानमंत्री जी के सामने अजीत डोभाल साहब ने कहा था कि भारत का 1/4 भूभाग नक्सलवाद से आच्छादित है। ये 2008 की बातें बहुत पुरानी नहीं है। आज ये संतोष का विषय है कि आपके अथक प्रयासों से और पूरी तपस्या से वो चीज न केवल रिक्लेम हुई बल्कि नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ गया। लेकिन जो आप विक्रम सिंह जी, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि लंबे वक्त से जो नक्सली ढोंग कर रहे हैं कि हमें हमें वो सुविधाएं नहीं मिली, वो हमें चीजें नहीं मिल पाई, तभी हमने ये रहा अपनाई, ऐसा किया वैसा किया, पर असल में ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लालच कहीं ना कहीं है। निश्चित किया कि कहीं विकास ना हो, सड़कें बनी तो उनको डायनामाइट से उड़ा दिया, जो मोबाइल टावर लगे उनको ध्वस्त कर दिया। ये चाहते नहीं थे क्योंकि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरियां लगे। जो एनजीओ साहस करके जाते थे वहां पर सामूहिक हत्याकांड, और जिसको कहते थे उनकी भाषा में 6 इंच छोटा करना, घड़ा से सर काट लेना, इन्होंने कम अत्याचार किए हैं, कम पाप किए हैं। अब वक्त आ गया है कि इनके पाप का और इनके अपराधों का हिसाब किया जाए, और जो मुख्य धारा में लौटना चाहे उनको लौट लें। विक्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा ऑपरेशन में बड़ी सफलता जो है मिली है, और इसी पर सीएम साई ने ट्वीट भी किया है, नक्सली मुठभेड़ पर सीएम साई ने ट्वीट किया है, जवानों को मिली है बड़ी कामयाबी, वो सराहनीय है, जवानों के हौसले और अदम्य साहस को नमन है, प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है ये भी जो है कहा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, सीएम साई की ओर से ट्वीट किया गया है, नक्सली मुठभेड़ बड़ा ऑपरेशन और बड़ी सफलता इसमें जो मिली है, इस पर सीएम साई ने ट्वीट भी किया है, जवानों को मिली बड़ी कामयाबी, सराहनीय है, उनके द्वारा ये लिखा गया, जवानों के हौसले और अदम्य साहस को नमन है ये भी उनके द्वारा लिखा गया है, प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। और हमारे साथ लगातार सहयोगी दिनेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। दिनेश, वाकई बड़ी सफलता, बड़े ऑपरेशन में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ी सफलता, और कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है उसके करीब बहुत पहुंच रहे हैं जवान भी, सरकार भी, और इस पर सीएम साई ने भी ट्वीट किया है और सराहनीय कहा है इसे। जी हाँ, जो एक सफलता मिली है पुलिस वालों को, सुरक्षा बल के जवानों को, ये कहीं ना कहीं सराहनीय योग्य है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सफलता इसलिए कही जा सकती है क्योंकि नक्सलियों के मांद में घुस के सुरक्षा बल के जवान आज नक्सलियों को खदेड़ने में कामयाब हो रहे हैं, चाहे पूर्ववर्ती का क्षेत्र हो, चाहे माड़ का क्षेत्र हो, ये दोनों क्षेत्रों में जहां इनकी पैनी नजर होती थी और इनकी पैट होती थी, ऐसी जगह को ध्वस्त करते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने वहां अपने झंडे गाड़ दिए हैं, जिस वजह से इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि नक्सल ऑपरेशन में जो मूवमेंट चारों दिशाओं से सुरक्षा बल के जवानों द्वारा किया गया है, कहीं ना कहीं इसका भी एक नतीजा देखने को मिल रहा है, क्योंकि चारों दिशाओं से जब सर्चिंग अभियान चलाया जाता है तब जैसे कि बीजापुर, नारायणपुर और बस्तर ऐसे क्षेत्रों के जो घुसपैठ है, नक्सली घुसपैठ करते हैं ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में, और इनकी मुठभेड़ होती है, यही वजह है कि आज नक्सलियों को खदेड़ने में सुरक्षा बल के जवान कायम नजर आ रहे हैं, कि उनकी सफलता को देखने की भी दिख रही है और उनकी सराहना भी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सराहनीय की बात भी है। जी वाकई वाकई बड़ी सफलता ये भी है, और जिस तरह से छोटे छोटे अगर हम क्षेत्रों की जगह की बात करें, मूलभूत सुविधाएं जो हैं उन तक पहुंच रही हैं सरकार की ओर से, तो कहीं ना कहीं ये भी है, बरगला जो रहे थे इतने लंबे वक्त से नक्सली, वो बरगला नहीं पाएंगे, और इस तरह की जो ऑपरेशन में सफलता मिल रही है इससे भी कहीं ना कहीं वो उनके झांसे में नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया।
और हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़ गए हैं, नक्सल जानकार। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। बड़ी सफलता जवानों को आज मिली है और बहुत बड़ा ऑपरेशन आज का था, इतनी बड़ी संख्या में नक्सली ढेर किए हैं। नहीं, निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से जवानों को सफलता मिली है और खासकर अबूझमाड़ के इलाके में जवानों ने जिस प्रोफेशनल तरीके से नक्सलियों को घेर करके मारा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और जो फिगर अभी सामने आ रहा है कि 30 नक्सली मारे गए हैं, तो ये अपने आप में सफलता के लिहाज से अगर हम देखें तो अब तक का नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया छत्तीसगढ़ फोर्स का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन माना जाना चाहिए। दरअसल आज जहां पर घटना हुई है या जो जिस इलाके में नक्सलियों ने कैंप लगाया हुआ था, हाँ मैं एक बात आपको और शेयर करना चाहता हूं। आज जहां पर जवानों ने धावा बोला है, ये इलाका वो अबूझमाड़ का कोर इलाका कहलाता है और यहां पर नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। दरअसल अबूझमाड़ इलाके में अब जो है फोर्सेस और इंटेलिजेंस की बहुत बारीक नजर है और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ही ये ऑपरेशन फोर्स ने लॉन्च किया था। पिछले 4-5 दिनों से इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे थे कि वहां पर जो है बड़ी संख्या में नक्सली अपने रिक्रूट जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके कारण जो है इस इलाके में दंतेवाड़ा और नारायणपुर से जो स्पेशल फोर्स का एक गठन करके उस इलाके के लिए रवाना किया गया था। दरअसल जो अभी जो हमको प्रारंभिक जानकारी आ रही है कि इसमें 2-5 जो है बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं, जिसमें नक्सलियों की पूर्वी बस्तर कमेटी की सेक्रेटरी नीति का नाम भी शामिल। जवानों की सक्रियता से कहीं ना कहीं इतने बड़े ऑपरेशन में सफलता मिली है और आने वाले समय में हम ये भी मान सकते हैं कि और बड़ी